एक क्वेश्चन फोर करने से पहले कुछ कमेंट्स के मैं जवाब देता हूँ। सर इन क्वेश्चन थ्री सी रूल 39(1)A ITC सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्लीज चेक इफ आई एम रॉन्ग। और उदय कटियाल जी ने भी रूल 39 पढ़ लिया और कहाँ हो सकता है भैया, पूरा तो पढ़ लो, पूरा रूल 39 पढ़ लो। मैं आपको दिखलाता हूँ, देखिए रूल 39(1) ये आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसको सुधारने के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का सिस्टम आपने पढ़ा ही था। ये देखिए, क्रेडिट नोट फॉर रिडक्शन ऑफ आईटीसी, डेबिट नोट फॉर इंक्रीज आईटीसी, तो इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट टू एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बाय सप्लायर, तो ये भी तो आप पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। सुमित जिंदल जी ने, सर जी प्रोविजनल असेसमेंट में इंटरेस्ट 67 डेज का लगेगा या फिर 67 डेज का लगेगा, ही इज पासिंग ए स्टेटमेंट 67 डेज का लगेगा। तो इसका जवाब देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं पहले आपको सॉल्यूशन दिखलाता हूं जो हमने किया है। ये क्वेश्चन था, तो जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस महीने के पहले तारीख से काउंट करना है डिले। तो सीएस प्रोफेशनल वालों ने तो क्या किया कि उन्होंने 1 दिसंबर को इंक्लूड करके ये काउंट कर लिया, तो 67 डेज का आ गया। एक थ्योरी ये भी है कि जिस दिन अमाउंट ड्यू होता है, तो मान लीजिए अमाउंट ड्यू हुआ 1 दिसंबर को और आप ये 1 दिसंबर को ही पेमेंट कर देते हो तो इंटरेस्ट काउंट नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 66 डेज है। तो लेट अस सी, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोचा कि चलो ढूंढ लेता हूं, मुझे कोई मिला नहीं। तो देर आर टू व्यूज, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने 66 डेज के बेसिस पे या 67 डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया, दोनों ही आंसर को सही मानना चाहिए। तो लेट अस सी सी इंस्टीट्यूट क्या करता है। अमन अग्रवाल जी लिख रहे, द बैगेज रूल्स डज नॉट अलाउ लाइक दिस, इफ 120 सिगार आर देयर देन होल विल बी इन नॉर्मल कंप्यूटेशन, प्लीज चेक। इनका क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स क्वेश्चन 4A कर रहे हैं आपके साथ, सीए फाइनल मई 2018 ओल्ड सिलेबस, 4 नंबर का है और ये बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और इसमें जो डेटा दिया हुआ है दैट इज सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई, तो ये नॉन लेवाई सप्लाई है क्योंकि पेट्रोल इज नॉट पार्ट ऑफ GST राइट नाउ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये इनवर्ड सप्लाई है, ये आउटवर्ड सप्लाई है। एग्रीगेट टर्नओवर जब भी कैलकुलेट करेंगे वो आउटवर्ड सप्लाई का करेंगे। सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई, दिस इज टैक्सेबल सप्लाई, इट इज नॉट नॉन लेवाई सप्लाई क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं आता है। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु दैट इज तमिलनाडु टू कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इट इज अगेन ए टैक्सेबल सप्लाई शेड्यूल 1 फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई 1,50,000। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एट मणिपुर ब्रांच, और इसका मतलब ये तमिलनाडु में भी इसका एक यूनिट है और दूसरा यूनिट उसका मणिपुर में है, तो वहां पर भी वो सप्लाई कर रहा है 11,50,000। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव अ टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख ईदर एट तमिलनाडु और कर्नाटका एंड इंक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ मणिपुर ब्रांच, तो कहीं भी उसका 20 लाख से ज्यादा नहीं है। इट बिलीव्स दैट डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन लेवाई, तो ऑब्वियसली इनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो गलत है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस सेम पैन नंबर पे कैलकुलेट होता है और उसमें एग्जम सप्लाई भी आएगा, टैक्सीबल सप्लाई भी आएगा और नॉन लेवाई सप्लाई भी आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस सेम पैन, इंटर स्टेट सप्लाई हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, टैक्सीबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई, नॉन लेवाई सप्लाई। एक्सक्लूजन सिर्फ क्या है, इनवर्ड सप्लाई का। तो हमने क्या किया, हमने ये सारा कुछ जोड़ दिया, ये तमिलनाडु का जोड़ा, तो ये वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट दैट इज तमिलनाडु एंड वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन मणिपुर, तो मैं यहां से तमिलनाडु लिख देता हूं, तो टोटल आ गया 33 लाख। नाउ हिज टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख एंड इन मणिपुर इट एक्सीड्स 10 लाख, देयरफॉर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एट बोथ द प्लेसेस। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है।
Decide based on the above facts, the aggregate turnover of Rajesh Dynamics, yes, it is 33 lakhs. All conditions that fulfill the requirements for registration under CGST Act 2017 in the given circumstances. So, usko section 22 ke karan, isko apne aapko registration karwana padega because its turnover exceeds 10 lakh or 20 lakh or kisi bhi state mein, maan lijiye iska Manipur mein 10 lakh hai, main aapko is tarah se batata hu. Maan lijiye yahan turnover 2 lakh hai, yahan 12 lakh hai. Now, isko is tarah se samajhiye, Tamil Nadu mein maan lijiye turnover 2 lakh hai, Manipur mein turnover 12 lakh hai. टोटल टर्नओवर 14 लाख है क्योंकि मणिपुर में उसका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो गया है तो मणिपुर में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा प्लस तमिलनाडु में भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो अगर किसी स्टेट में उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट उसको दूसरे स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो 4A हो गया बहुत आसान सा था 4B देखते हैं डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आप इसमें देखेंगे तो एक कम्युनिटी हॉल के बारे में बात कर रहा है इसका मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा और सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हुआ है और किस दिन सर्विसेज कंप्लीट हुआ है और वो सर्विसेज कंप्लीट हुआ है मैरिज हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल इज 2nd नवंबर इसके 30 दिन के अंदर अंदर इसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए तो मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भी दिखलाता हूँ तब आसान होगा तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस 2nd नवंबर उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए विद इन 30 डेज दैट इज 2nd दिसंबर लेकिन वो इनवॉइस इशू कर रहा है 18 दिसंबर अब 2 दिसंबर एक टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अगर 2 दिसंबर से पहले उसने अगर एडवांस मिला है दैट विल ऑल्सो बी ए टाइम ऑफ सप्लाई तो यहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है एक 8 सितंबर आएगा फॉर रुपीज 20,000 यहां पर लिखा हुआ है 20,000 रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो एक 8 सितंबर आएगा और दूसरा 2nd दिसंबर आएगा भले उसको पैसा 18 दिसंबर पैसा मिले या ना मिले तो यहां पर बैलेंस 22 दिसंबर को मिल रहा है 24 दिसंबर को मिल रहा है ये कहानी है लेकिन हमें लेना क्या है 2 दिसंबर वाला है अब 8 सितंबर का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो गया 20 अक्टूबर और 2 दिसंबर का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा 20 जनवरी इससे लेट पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है तो अगेन दिस इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और बाकी सब एडवांस 20,000 recorded in the books of accounts, advance amount credited in the books of accounts, whichever date is earlier is treated as the receipt of money. यहाँ भी वही कहानी है, लेकिन ये applicable नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इससे पहले ही पैसा मिल चुका है. 4C, explain briefly provisions regarding mandatory pre-deposits to be made before filing an appeal before appellate tribunal and tribunal, as per CGST Act 2017. अभी section quote नहीं कर रहा हूँ, आप section देख लीजिएगा. मैंने यहाँ पर simple लिख दिया है. एडमिटेड अमाउंट तो अगर आप अपील में जाते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और कुछ इश्यू में आप अमाउंट एडमिट कर लेते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट अपील में नहीं जाऊंगा तो आप उसका 100% आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा चाहे अपीलेट अथॉरिटी लेवल पे हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल लेवल पे हो लेकिन अगर आप जिसके लिए अपील में जा रहे हैं जिस अमाउंट के लिए अपील में जा रहे हैं उस वो डिस्प्यूटेड अमाउंट हो जाएगा उस डिस्प्यूटेड अमाउंट का आपको 10% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा तभी अपीलेट अथॉरिटी आपकी एडमिट को एडमिट करेगी एक्सेप्ट करेगी और अगर अपीलेट अथॉरिटी आपके अगेंस्ट जजमेंट पास करती है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अगेन जो जिस इश्यू को आप एडमिट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मैं हार मानता हूं उसका 100% टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा और जो अमाउंट आप डिस्प्यूट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको 20% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा डिस्प्यूटेड अमाउंट का तो ये आंसर है आपका ठीक है 4D करते हैं आपके साथ जिग्सॉ पजल हैज इंपोर्टेड इनपुट्स हैविंग CIF वैल्यू ऑफ 25 लाख विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन तो ये EOU नहीं है SCZ नहीं है ये सिंपल DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको ऑब्वियसली एडवांस ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अगर आप उसके पास EOU होता तो डीम्ड LOP लेटर ऑफ परमिशन वॉज डीम्ड ऑथराइज डीम्ड एडवांस ऑथराइजेशन तो अगर आप इनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है और वो इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स को तो बेसिक कस्टम ड्यूटी उस पर लगा हुआ सेस 1 फरवरी 2018 से सोशल वेलफेयर सरचार्ज एग्जेम्प्ट है सेफगार्ड ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी और भी कोई ड्यूटी अगर लगती है वो भी एग्जेम्प्ट है और IGST और उस पर लगा हुआ सेस वो भी एग्जेम्प्ट है 1 अक्टूबर 2018 तक तो गवर्नमेंट ने इतना सारा एग्जेम्प्शन इसलिए दिया है
ताकि आप एक्सपोर्ट करें, मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% और प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाए, और मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना है 15%. इनपुट्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट ₹5 लाख टू मीट इवेंचुअलिटीज ऑफ क्वालिटी इश्यूज अराइजिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. ये क्या है, आपने इंपोर्ट तो कर लिया गुड्स को, अब उस गुड्स से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जिस फॉरेन बायर को आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचना चाहते हैं, वो फॉरेन बायर कहता है कि हम भी आपको कुछ इनपुट्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए. तो ये वही फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है 5 लाख का. अब ऐसे केस में आप वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की डॉक्यूमेंट दिखलाता हूं. फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई बाय फॉरेन बायर, एडवांस ऑथराइजेशन शैल ऑल्सो बी अवेलेबल वेयर सम और ऑल इनपुट्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एक्सपोर्टर बाय फॉरेन बायर. ये एक्सपोर्टर कौन है, जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है. अब ये फॉरेन बायर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे. इन सच केसेस नोशनल वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट, और इस क्वेश्चन में जो दिया वो 5 लाख दिया हुआ था, नोशनल वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट शैल बी एडेड इन द सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडिशन. तो मैं आपको दिखाता हूं, हमने जो 5 लाख रुपया है सीआईएफ वैल्यू में भी एड कर दिया और एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडिशन वहां भी एड कर दिया, यानी 3 जगह हमने एड किया है. तो आपका जो मिनिमम वैल्यू एडिशन होगा वो 8,75,000 होगा, ठीक है. एफओआर वैल्यू होगा 33,75,000. अब इसके आगे एक बात बताइए, क्या वो जो फॉरेन बायर है 5 लाख रुपए आपको देगा, ये 5 लाख रुपए वो नहीं देगा, वो कितना देगा 28,75,000, क्योंकि 5 लाख रुपया तो उसी का गुड्स था. तो इसको भी टेक केयर किया है, लिखा हुआ however, realization of export proceeds will be equivalent to an amount excluding notional value of such input. तो ये realization हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो यहां आ रहा था इसलिए हमने वो भी बता दिया आपको. आगे पढ़ते हैं, ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू यूनिट्स इन SCZ एंड रियलाइजेशन इज इन इंडियन करेंसी, यानी कि वो कुछ गुड्स को वो SCZ में भी सप्लाई कर रहा है और रियलाइजेशन किस में है, इंडियन करेंसी में है. क्या वेदर एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, कहता है यस मिलेगा. तो सप्लाई टू SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर इंडियन रुपीज में भी, तो आपको एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा. और आगे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर आप सप्लाई करेंगे इंडियन रुपीज मिलेगा, तो उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट मान के इसके ऊपर भी आपको एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा. मैं ये सारा पढ़वा भी दूंगा, मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. तो जिग्सो वांट्स टू नो वेदर इट इज एंटाइटल्ड टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू एडिशन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट FOR वैल्यू ऑफ सप्लाईज टू SCZ, जो हमने यहाँ कर भी दिया, ठीक है. तो SCZ में कितना वो सप्लाई कर रहा है ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं तो हम लोग अलग से उसका मिनिमम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं. जिग्सो पजल हैज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड गुड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्टेड इनपुट्स फॉर देयर ऑफिशियल यूज, ऑफिस यूज गलत है, ऑफिशियल यूज. द पेमेंट फॉर सच सप्लाई इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, कैन एडवांस ऑथराइजेशन बी डिनाइड एज पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, नो इट कैन नॉट बी डिनाइड. मैं आपको थ्योरीज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ. मैं पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिखला देता हूँ. सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ये देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज और सप्लाइड ऑफिशियल यूज और सप्लाई टू द प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय द सेट. तो आपको एडवांस ऑथराइजेशन में यह अलाउ होता है और इन्होंने डीम्ड एक्सपोर्ट्स में यहां लिख दिया, डीम्ड एक्सपोर्ट्स refer to those transactions in which goods supplied do not leave country and payment for such supply is received either in Indian rupees or in free foreign exchange. So supply to SCZ ho ya supply to international organization hai, you can receive in Indian rupees also. SCZ ke baare mein aur bhi kuch baatein likhi hui wo bhi dikhlata hu aapko. To ye 4.21 hai, currency for realization of export proceeds.
Export to SEZ units shall be taken into account for discharge of export obligation provided payment is realized from foreign currency account of the SEZ unit. देखिए language पढ़िएगा फिर से. Export to SEZ units shall be taken into account for discharge of export obligation provided payment is realized from foreign currency account of SEZ unit. यानी कि SEZ unit अपने foreign currency account से payment करे. और जब वो फॉरेन करेंसी से पैसा निकालेगा तो जो जिसको पेमेंट करेगा वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा होगा. एक्सपोर्ट टू एससीजेड डेवलपर्स को डेवलपर्स कैन आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इवन इफ पेमेंट इज रिलाइज इन इंडियन रुपीज. तो एससीजेड डेवलपर में ये कंडीशन नहीं डाला उन्होंने कि वो इंडियन अकाउंट से भी इंडियन रुपी अकाउंट से भी पैसा निकाल के दे रहा तो भी मान एक्सपोर्ट बेनिफिट अलाउ कर रहा है. लेकिन यहां पर एससीजेड यूनिट्स के बारे में जब बात कर रहा है तो एससीजेड यूनिट को जो पैसा निकालना होगा वो फॉरेन करेंसी अकाउंट से निकालना होगा फिर उसको कन्वर्ट करके वो सप्लायर को देते हैं. तो दोस्तों ये भी हो गया. ये सब बातें हमने अपनी किताब में भी लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं लिखी हुई है. तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स वही सेम पैराग्राफ है जो हमने यहां लिखा है इंडियन रुपीज ऑफ फ्री फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद ए बी सी यहां पर सप्लाई टू यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एससीजेड का भी हमने लिखा है. ये रहा एक्सपोर्ट टू एससीजेड यूनिट्स और डेवलपर्स कैन आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट रियलाइजेशन. ये वही पैराग्राफ है. फ्री सप्लाईज का हमने नहीं लिखा है. चलिए कुछ चीजें तो छूटी जाएगी, इतना बड़ा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी.